हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं टी लाइट कैंडल होल्डर। इसको दिया होल्डर जैसा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बनाने के लिए मैंने राउंड MDF कटआउट ली हूँ। ये कटआउट मैंने अमेजोन से ख़रीदी हूँ। ये कटआउट का साइज़ है 3 सेंटीमीटर डायमीटर है और 2 mm थिकनेस है। इसको बनाने के लिए पहले मैंने ये क्रिम्सन रेड का ब्रस्टो का इधर कलर ली हूँ, एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर 2 कोट्स पहले एक दूंगी, पहले वो सूखने के बाद दूसरा कोट देके 2 कोट के साथ अच्छा से पेंट करूँगी। आफ्टर वो ड्राई होने के बाद में ना बाद में का प्रोसेस शुरू करेंगे। अभी इसके ऊपर ए टी लाइट कैंडल होल्डर रख के उसका मेजरमेंट लेकर राउंड ली हूँ। वो राउंड के बाद मैं पेटल्स डिज़ाइन की हूँ। बाद में ना ये फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले ली हूँ। इसको दो ठो पैकेट्स रहता है इसमें, एक रेजिन और एक हार्डनर रेजिन बेस रहता है। वो दो ठो को अच्छा से मिलाना है, वो हाथ को स्टिक नहीं होने जैसा हम लोग पाउडर को हाथ पे स्प्रे करना है, और हम लोग जिधर रोल करेंगे उधर भी टैल्कम पाउडर को स्प्रिंकल करना है। बाद में हमको उसके साथ पतला पतला लंबे लंबे तार ऐसा बनाएंगे। ये तार बनाते वक्त हाथ को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्की हाथ से बनाना है। ये तार का वो थिकनेस ना इक्वल होने जैसा देखना है फिनिशिंग काम आने के लिए। पहले मैं थोड़ा ज़्यादा ही तार बना के रख रही हूँ, लेकिन इतना तार इसमें नहीं लगेगा, एक तार में बन जाएगा क्योंकि छोटा सा कटआउट है ना। लेकिन मैं पहले अगर नहीं ज़रूरी पड़ेगा तो वापस प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ज़्यादा तार बना के रख रही हूँ। लास्ट में बच जाएगा तो हम लोग वापस मिक्स करके दूसरा कुछ स्ट्रक्चर बना के रख देने से लिपन आर्ट्स में यूज हो जाता है। ये आज हम लिपन आर्ट ही बना रहे हैं, तो कुछ भी स्ट्रक्चर्स रोज़ या कुछ भी पेटल्स बना के रख देने से दूसरा आर्ट वर्क में लग जाता है। बनाने के बाद में ना ये ऐसा हम लोगों को फेविकल ग्लू लगा के स्टिक करना है। उसको कटर के साथ में एंडिंग पॉइंट में कट करके दो ठों को थोड़ा सा पानी हाथ या पाउडर हाथ लेकर मिलाना है। ऐसा मैं टोटल पेटल्स बनाते जाऊँगी। अब थोड़ा आप जो कीजिए, पेटल्स बनाते वक्त लास्ट में कैसा मैं पिंच कर रही हूँ वो एंडिंग पार्ट में ऐसा पिंच करना है। ऐसा टोटल पेटल्स हम लोग बनाएंगे। डिज़ाइन करने के लिए मैं इसके ऊपर एक पेन ली हूँ। ये पेन पूरा यूज़ हो गया है, उसके साथ मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। सेंटर पोर्शन ओनली डिज़ाइन करूँगी, पेटल्स को नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए पेटल्स वैसा ही छोड़ूंगी, सुंदर दिखेगा। ये प्रिसिशन नाइफ है, प्रिसिशन नाइफ का ही ज़रूरी नहीं है। हम लोग जो पेपर कटर सोलो कटर रहता है ना, थर्मोकोल कटर, उसके साथ भी हम लोग कट कर सकते हैं। अभी ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग को ये ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। ड्राई होने के बाद में थोड़ा सा वार्निश करना पड़ेगा। वार्निश करने से पहले ना इसको मैं गोल्डन कलर, ये मेटालिक गोल्ड कलर है, 2 कोट देती हूँ। देखिए 2 कोट दे रही हूँ। आप पहले वाइट कलर देके उसके ऊपर गोल्डन कलर भी कर सकते हो, लेकिन मुझे 2 कोट इधर गोल्डन कलर देने से अच्छा लगता है, इसीलिए मैं 2 ठो गोल्डन कलर का कोट दी हूँ और ऐसा डिज़ाइन बनाई हूँ। बाद में ये लीफ ग्रीन के साथ में अंदर मैंने डॉट टूल लेकर डॉट्स दी हूँ। अगर आपके पास डॉट टूल नहीं रहेगा तो भी आप टूथपिक या पेन या कुछ भी लेकर कर सकते हो।
उसके बाद मैं वार्निश सूखने रख दी थी, वो सूखने के बाद मैं वार्निश की हूँ। मिनिमम तो आपको 6 घंटा रखना पड़ेगा ड्राई होने के लिए, बाद में वार्निश देना पड़ेगा। अभी फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू लगा के ये मिरर स्टिक कर रही हूँ। लिप्पन आर्ट का मेन पार्ट होता है जो क्ले पार्ट और मिरर पार्ट ही मेन होता है। अभी राउंड मिरर सेट करूंगी, ये राउंड मिरर सेट। लास्ट में टी लाइट कैंडल होल्डर को एक ग्लू यूज करके स्टिक करूंगी।